किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों आज मैं आया हूं बिहार के रोहतास जिले में। ये एक बतख फार्म है, यानी डक फार्मिंग होती है यहां पे। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहां पे लगभग 4000 इंडिया रनर ब्रीड के जो बतख हैं ये पाले जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बतख पालन से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे, इसको कैसे पालन किया जाता है, इसमें क्या प्रॉफिट है, सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। तो सर सबसे पहले मैंने परिचय बताया किसान भाइयों को। हमारा नाम सिकंदर कुमार पड़ेगा जी। हमारा घर रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। तो सर आप यहाँ बत्तख पालन कब से कर रहे हैं, कितने सालों से? हम अभी एक पहली बार डाले हैं बत्तख। अच्छा, ये सब बत्तख कितने महीने की हो गई हैं? लगभग लगभग तीन महीने लगभग। अच्छा, तीन महीने हो गई है। तो यहाँ पे आप कितना जगह है, कितने एरिया में कर रहे हैं बत्तख पालन? 40 डिसमिल लगभग जमीन है। अच्छा, जिसमें हम ये सब। अच्छा, आपको बच्चा कहाँ से लेके आते हैं यहाँ का? बनारस से, चंदौली। अच्छा, चंदौली से। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं आपके पास अभी? यहाँ पे कितने डक हैं अभी? अभी यहाँ पे हमारे पास 3550 मैंने लमसम 3600। अच्छा, तो शुरुआत में इतना ही डाले थे, कुछ मरे हैं बीच में उसके तीन महीने के बीच में? हम 4000 डाले थे। अच्छा, 4000 पहले बार डाले थे, हमको पता नहीं जी, जानकारी कम थी। जानकारी कम कम था। तो इससे पहले और कौन सा काम करते थे? शुरुआत से यही कर रहे हैं। इससे पहले पोल्ट्री फार्म चलाते थे हमारे, तो पोल्ट्री फार्म था 2000 किलो था, 1500 का चलाते थे। तो उसको बंद कर दिए हैं? हाँ, उसको बंद कर दिए। प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट नहीं उसमें, कम हो रहा था, कम हो रहा था। तो अभी इसको कब 3 महीने से कर रहे हैं बत्तख पालन? तो 3 महीने से कितना आपको अच्छा लगा है अभी तक? सही है, बढ़िया जोड़े। हाँ, बढ़िया। अच्छा, तो शुरुआत में आपको समस्या वगैरह आई जो बताइए, बत्तख शुरुआत किया 3 महीने पहले, तो आपकी कौन सी समस्या आई शुरुआत में? शुरुआत में हमें पता नहीं था बच्चा डाले। हाँ, पता नहीं था कैसे देते हैं, उसी में हमारा बच्चा नुकसान हो गया। अच्छा, इतना जानकारी नहीं। तो कोई बीमारी दगा नहीं, कैसे मर गया बच्चा? बीमारी नहीं, बीमारी जैसे डाले बच्चा छोड़ा, मेरा बच्चा था छोड़ा। हाँ हाँ, वहाँ पर हमको नहीं पता, हम दाम हो गए। फिर मैंने जो डलवाए थे उन्होंने कहा कि रात भर उठाते रहना है, हम सो गए, आपको पता ही नहीं, जानकारी नहीं था। अच्छा, ब्रूडिंग करते टाइम उसमें मरे शुरुआत में? अच्छा, तो रात में इन सबको अंदर रखते हैं कि रात में पानी तैरते रहते हैं इसे? नहीं, रात में दिन भर अपना चलता है, रात में पोल्ट्री फार्म है ना। हाँ, तो अच्छा, दिन में आप खाने के उनको कुछ अपने से फीड देते हैं कि अपने से कुछ उठाते हैं? नहीं, फीड देते हैं दिन में। पहले देखिए, देते थे गेहूं देते थे, अब देते हैं, अब शुरू में गेहूं देते थे, शुरू में 15 दिन दाना पिए, दाना खिलाए। अच्छा, और फिर गेहूं दिए। हाँ, गेहूं देने के बाद अब धान दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें धान खा रहे हैं? हाँ, अभी धान खा रहे हैं। अच्छा, रोज 1 क्विंटल। अच्छा, एक से 1.5 क्विंटल। अच्छा, 3500 बतख मिल के, लगभग 3500-3600 मिल के 1.5 क्विंटल खा जा रहे हैं धान डेली? डेली 1.5 क्विंटल डेली धान खा जा रहे हैं। अच्छा, तो शुरुआत में से अब तक कितना वजन हो गया है इन लोग का? लगभग अभी 1 किलो प्लस होगा। अच्छा, हम वजन किए परसों, 1 किलो प्लस होगा। अच्छा, मीडियम साइज का पकड़ के। हाँ, किसी के कम से ज़्यादा हो थोड़ा बहुत, 50 किलो। ठीक है, तो सिर्फ कितने दिनों के बाद सब अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं? अच्छा, लगभग 4 महीने। अच्छा, 4 से 4.5 महीने के बीच अंडा देने लगेगा। मतलब अभी आपका 1.5 महीने का टाइम है। तो अभी आप ये सब बत्तख बेच भी रहे हैं यहाँ से? हाँ, कोई किसान भी लेना चाहता है ले सकता है यहाँ से? ले सकता है। तो क्या रेट में बेच रहे हैं यहाँ से सर? अभी ऐसे बेचते हैं 300-350 मैंने, जैसा बत्तख वैसा दाम। अच्छा, ठीक है। तो और जो नया किसान भाई शुरुआत करना चाहे बत्तख पालन, तो आपके हिसाब से कैसा बिजनेस है ये? ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बढ़िया है इसमें, सब बहुत बढ़िया है मैंने जी। तो शुरुआत में जो अच्छा बच्चे लेके आए, तो बच्चे क्या रेट पड़े थे उस समय पे? उस समय हमको बच्चा पड़ा था 2500 रुपये पीस। अच्छा, 2500 रुपये पीस। तो बनारस से लेके आए थे इसको? यस। अच्छा, चलिए ठीक है सर, जगह देने का धन्यवाद आपका।